भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, चांद के साउथ पोल पर उतरा विक्रम लैंडर, बुधवार को शाम 6:04 पर की लैंडिंग। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे, इसरो को चंद्रयान 3 की लैंडिंग में नहीं आई कोई दिक्कत। इसरो ने तय समय पर पूरा किया मिशन, लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने काम करना किया शुरू, इसरो ने ट्विटर पर शेयर की चांद की कई तस्वीरें। इसरो की कमान के बाद तकरीबन 10:15 प्रज्ञान रोवर से अलग हुआ लैंडर विक्रम, रोवर ने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चांद पर मूवमेंट शुरू किए। लैंडिंग के 2.5 बाद विक्रम से बाहर आया रोवर प्रज्ञान, रोवर को उतारने के लिए सबसे पहले विक्रम लैंडर का साइड पैनल खोला गया। प्रज्ञान रोवर ने सबसे पहले उतरकर चांद की सतह पर बनाया अशोक स्तंभ, चांद पर इसरो की छाप छोड़ी। मिशन चंद्रयान की कामयाबी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को दी बधाई, कहा वो दिन दूर नहीं जब धरती के लोग करेंगे चांद का टूर। चांद पर पहुंचने के बाद अगले मिशन सूर्य की तैयारी में भारत, मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च करेगा इसरो, पीएम मोदी ने किया ऐलान। इसरो के अगले मिशन आदित्य L1 की तैयारियों में जुटा इसरो, श्रीहरिकोटा में मिशन से जुड़ी चल रही तैयारियां। और नौ की न्यूज में रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग कार्यक्रम को देखा, वैज्ञानिकों की खूब तारीफ। चंद्रयान 3 का इसरो ने लाइव प्रसारण किया, लैंडिंग प्रोसेस को पूरे देश और दुनिया ने देखा। सफलता मिलते ही इसरो कमांड सेंटर में दिखी खुशी की लहर, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा कमांड सेंटर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी बधाई, कहा भारत का तिरंगा झंडा विश्व में नहीं चांद पर भी फहराया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चंद्रयान की सफलता पर बधाइयां दी, इसे भारत के आत्मविश्वास और भारत के दृढ़ संकल्प शक्ति की जीत करार दिया। विदेश के दौरे से लौटकर सीधे बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात का कार्यक्रम उनका है, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई दी जाएगी मोदी जी द्वारा। ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम के सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी, कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात, बैठक के बाद ग्रीस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। हिमाचल में भारी बरसात के बाद भूस्खलन, 4 लोगों की मौत, शिमला समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भारी बरसात की आशंका, 7 जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी, कई जगह पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स की तैनाती। अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने चंद्रयान की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई, उन्होंने कहा कि 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एमके स्टालिन ने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को किया फोन, पी वीर मुथुवेल को फोन पर दी बधाई। चंद्रयान के सफल लैंडिंग पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, वैज्ञानिकों और टीम के सदस्यों को दी बधाई। चंद्रयान की कामयाबी पर सीएम शिवराज ने जाहिर की खुशी, उन्होंने कहा नए भारत का उदय हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों को बधाई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों को दिया धन्यवाद, कहा कम खर्च में चंद्रयान 3 ने की सॉफ्ट लैंडिंग। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी दिखा जश्न का माहौल, पोस्ट ऑफिस चौराहे और बीजेपी जिला कार्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी। भोपाल में एक शख्स ने अपनी पीठ पर बनवाई चंद्रयान 3 की आकृति, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाले मुखौटे लगाकर मनाया जश्न, सड़क पर नाचते झूमते दिखे लोग। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद मंदिरों में की गई विशेष आरती, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भगवान की आरती उतारी गई। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में की गई खास पूजा, सफल लैंड के बाद लोगों ने मंत्रोच्चार किया, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। और अब आपको दिखाते हैं चंद्रयान की सफलता पर जश्न की 9 बड़ी तस्वीरें। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में दिखी एकता की मिसाल, सड़क पर जुटे सभी धर्मों के लोग, आतिशबाजी कर जश्न मनाया सभी ने।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में टावर चौक पहुंचकर लोगों ने की आतिशबाजी, तिरंगा फहराया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। बिहार के सहरसा में इसरो टीम में शामिल वैज्ञानिक के पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग पर गांव समेत परिवार वालों ने बहुत जश्न मनाया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद आगरा में जश्न का माहौल, हिंदूवादी संगठनों ने बांटी मिठाई, लोगों को रोककर कराया मुंह मीठा। झारखंड के धनबाद में चंद्रयान 3 की सफलता पर छात्रों ने मनाया जश्न, IIT IIM के छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। झारखंड के सिमडेगा में चंद्रयान 3 की सफलता पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होने पर क्षेत्र के बच्चों ने किया सेलिब्रेट। इस मौके को बच्चों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, पटाखे जलाए। महाराष्ट्र के नागपुर में ढोल नगाड़ों की थाप पर सड़क पर उतर आए लोग, तिरंगे के साथ भगवा झंडा भी फहराया गया, भारत माता का जय घोष और जय श्री राम के नारे भी सुनाई पड़े। जम्मू में CRPF जवानों ने मनाया सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न, जवानों ने देशभक्ति गीत गाए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर साधु संतों ने उत्साह दिखाया, हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने इस मौके पर फूलों की होली खेली। अब आपको दिखाते हैं विदेश की टॉप 9 बड़ी खबरें। दुनिया ने माना हिंदुस्तान की ताकत का लोहा, अमेरिका ब्रिटेन और यूरोप के तमाम बड़े अखबारों में भारत के चंद्रयान की लाइव कवरेज की। पाकिस्तान के बड़े अखबार द डॉन ने छापी भारत की कामयाबी की खबर, लिखा भारत ने स्पेस सेक्टर में दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम की है जिसको अब हर देश फॉलो करना चाहेगा। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद ग्रीस में भारतीय समुदाय ने मनाया जश्न, एथेंस से जश्न की तस्वीरें आई सामने। ब्रिटेन के लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने लहराया तिरंगा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में भारत के अंतरिक्ष सलाहकार कुणाल जोशी हुए भावुक, कुणाल जोशी की आंखों में आए खुशी के आंसू, खड़े होकर बजाई तालियां। चंद्रयान की सफलता के लिए नासा ने भी भारत को दी बधाई, कहा मिशन में आपका भागीदार बनकर खुश हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए भारत को दी बधाई, मिशन को एक अविश्वसनीय उपलब्धि बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत को दी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भेजा। रूस में एक प्लेन क्रैश, पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का दावा, रूसी एजेंसियों के अनुसार विमान दुर्घटना में 10 लोगों की हुई मौत।